देखिए काफी लोग मुझसे पूछते हैं भैया धनुष सर के फिल्म के बारे में कुछ बताओ, उनकी कोई पैन इंडिया फिल्म नहीं आ रही है क्या? तो भाई चिंता मत करिए, आ रही है उनकी पैन इंडिया फिल्म, वो अभी एक नहीं बल्कि तीन। असल में उन्होंने द ग्रे मैन के बाद तीन चार फिल्में किए हैं, लेकिन सब के सब केवल तमिल में थे और सारे के सारे हिट गई है। हाल ही में आई वाकई फिल्म भी उनकी हिट हो गया है, मगर अब उन्होंने रीजनल फिल्म करना छोड़ दिया है। इसी साल से वो तीन बड़ी पैन इंडिया फिल्म कर रहे हैं, जहां तक रिसेंटली उन्होंने तेलुगु डायरेक्टर शेखर कमूला के साथ साइन किए हैं एक प्रोजेक्ट और इसका पूजा मुहूर्त भी हो चुका है शूटिंग के लिए, और ये फिल्म हिंदी तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी। और फिर धनुष सर ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट साइन किए हैं तमिल के बेहतरीन मरंग के साथ, और इसी में बोला जा रहा है जूनियर एनटीआर सर भी लीड में होंगे धनुष सर के साथ। शायद त्रिपलार जैसी दो हीरो वाली फिल्म बन रही है, लेकिन इसका शूट इस साल के एंड में चालू होने वाला है। मगर जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो काफी भयंकर है, यानी कैप्टन मिलर। देखिए कैप्टन मिलर के शूटिंग धनुष सर पिछले साल अक्टूबर महीने से ही चालू कर दिए हैं इस लंबे बियर्ड लुक के साथ, और ये फिल्म उनकी कैरियर की सबसे बड़ी और बिग बजट की फिल्म है। खैर सबसे बड़ी तो ग्रे मैन फिल्म है उनकी, जो बनी थी 1600 करोड़ के बजट में, मगर उस फिल्म वो लीड में नहीं थे, एज ए केमियो में थे। लेकिन ये कैप्टन मिलर उनकी लीड में फिल्म है। असल में कैप्टन मिलर में एक विरोधी कहानी दिखाया जाएगा। शायद आपने पढ़ा होगा किताबों में श्रीलंका में काफी बड़े तमिल लोगों ने विरोध किया था अपने सरकार से, और साथ में आपने फैमिली मैन 2 में भी समैंथा को देखा होगा वही तमिल रिबेलियन के कैरेक्टर में, और ठीक ऐसे ही कैरेक्टर धनुष सर का भी होगा इस फिल्म में, और उनमें का ज्यादा सीन श्रीलंका का ही होने वाला है। और इस फिल्म का एक्शन सीन को कोरियोग्राफ करने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड से डायरेक्टर बुलाए हैं, और आपको बता दो अभी तक शायद कैप्टन मिलर का 80-85% पोर्शन का शूट खत्म हो चुका होगा, और इसलिए यह फिल्म ज्यादा दिन दूर नहीं बल्कि इस साल समर में रिलीज होगी। और कैप्टन मिलर का रिलीज डेट अनाउंसमेंट अगले महीने 1 अप्रैल को ही होने वाला है। सो देखते हैं कैसी होती है इनकी कैप्टन मिलर फिल्म। भाई एक फिल्म तो हम भूल ही गए, द ग्रे मैन 2, जिसका स्क्रिप्टिंग काम रुस्तम ब्रदर ने पिछले साल ही चालू कर दिए हैं। तब की बात धनुष सर यानी उनका लोन ऑफ कैरेक्टर लीड में होगा ही रियान गोसलिन और एना द आर्मस के साथ, और रुस्तम ब्रदर ये सिटाडल सीरीज अमेजन प्राइम पर रिलीज करके ही द ग्रे मैन 2 के शूट में लग जाएंगे। सच में भाई धनुष सर के हाथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तीन बड़ी पैन इंडिया फिल्म और एक हॉलीवुड फिल्म। बाकी आप इनमें से किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और साथ में ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।